मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेटल्स जो है हमारे पास इम्प्योरिटीज से क्या हो जाती है जी, सेपरेट हो जाती है। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, मेन जो थ्री पार्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर ले आते हैं जी। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है हम कहते हैं माइनिंग एंड इनरिचमेंट, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हम जब माइनिंग की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आया वो जगह जो है इकोनॉमिकली सूटेबल भी है या नहीं, यानी कि वहां पर देखा जाता है कि हमारे पास जो मेटल्स का सारा सोर्स है वो इतना हमारे पास है कि इकोनॉमिकली वो हमें बेनिफिट दे या हमें प्रॉफिट दे सके, ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद हो। अगर वो पहले, सबसे पहले क्या किया जाता है जी, सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो देखा जाता है कि उसमें इनरिचमेंट है, वो मेटल हमारे पास ओल्ड फॉर्म में यानी कि खाम हालत में ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो फिर उस पर माइनिंग का प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। माइनिंग में आप हम क्या देते हैं, मतलब कि सबसे पहला प्रोसेस ही हमारे पास है जी माइनिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कानकनी हिल्स जो होती हैं या रॉक्स वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं जी, जो हमारे पास लेबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिक मशीनरी होती है उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, क्रशिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम करते हैं जी वहां पर खुदाई जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो माइनिंग से ही हमारे पास सेकेंड जो प्रोसेस आ जाता है वो क्या होता है जी, क्रशिंग, ठीक है। माइनिंग में तो हमने ये कहा ना कि हम पहले स्पेसिफिक एरिया देखते हैं जहां पर जो है उसकी इनरिचमेंट है, यानी कि वो सोर्स हमारे पास जो है ओर्स की फॉर्म में वो जो मेटल है वो ज्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां से खुदाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये सर्वे और एनालिसिस के बाद किया जाता है कि वहां पर हमारे पास अच्छी खासी जो है मेटल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जी, क्रशिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, सिंपल हम ब्रेक डाउन करते हैं जो हमारे पास बड़ी बड़ी जो मेटल्स के फॉर्म्स होते हैं, ओर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर वन। यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रेक इन टू स्मॉल पीसेस, ठीक है, स्मॉल हम उनके पार्ट्स बना देते हैं, छोटे छोटे उसके हिस्से जो है वो उनमें हम स्मॉल पार्ट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्रशिंग में ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होता है जी, जो कि हमारे पास है थर्ड वन, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं थर्ड वन हमारे पास प्रोसेस क्या है, ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, जैसे आप हम देख रहे हैं कि इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, मजीद उसको पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट करें। अच्छा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या फायदा है, फायदा ये है कि जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी थी वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होके कुछ ऐसी होती है कि उसको हम सिंपल वाटर में डिजोल्व करने से उसको जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मेटल चूंकि वाटर के अंदर हमारे पास डिजोल्व नहीं होती, इम्प्योरिटीज हमारे पास डिजोल्व हो जाती है, तो कुछ इम्प्योरिटीज जो इजिली ग्राइंडेड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो मेटल तो अलहदा कर लेते हैं और जो बाकी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं जी, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोसेस है जो नेक्स्ट वन है वो है जी हैंड पिकिंग, जगिंग एंड शेकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है लेबर जो है वो हायर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो इजीली हम क्या करते हैं, लेबर हायर करते हैं और सिंपल जो हमारे पास मेटल के बड़े बड़े पीसेज होते हैं उनको क्या करते हैं जी, लेबर्स जो है वो हाथ से पिक करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस नंबर फोर्थ है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है जगिंग एंड शेकिंग, इसमें क्या करते हैं, जो गैंग्यू होता है या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो कि हमारे पास यूजलेस मटेरियल होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी यूजलेस मटेरियल या इम्प्योरिटीज जो होती हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यूजलेस और इम्प्योरिटीज, स्लैश डालिए जी मैंने इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज या एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं जी, जगिंग या शेकिंग के प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, गैंग्यू जो होता है उसको शेकिंग के प्रोसेस से हम क्या करते हैं जी, उसको सेपरेट करते हैं। जैसे शेकिंग वर्ड से हमें पता चल रहा है, जैसे शेक वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बलाई के ऊपर जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम मेटल के साथ ऐसे करते हैं तो मेटल जो है वो हमारे पास क्या होती है जी, वो नीचे होती है मौजूद, ठीक है, वो क्योंकि हमारे पास भारी है, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, मेटल को अलग कर लेते हैं और जो हमारे पास ऊपर होती है, जो उसकी गैंग्यू होती है, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको बहुत ज्यादा स्पीड से हम रिल करते हैं यानी कि घुमाते हैं, तो हमारे पास शेकिंग के प्रोसेस से वो सेपरेट हो जाती है। और बास फॉरेन कंट्रीज में ये किया जाता है कि प्रेशराइज वाटर डाला जाता है, ठीक है, प्रेशराइज वाटर को जब हम एंटर करते हैं ना यहाँ पर, तो अगेन वही वाला प्रोसेस होता है कि जो पाउडर में या जो हमारे पास छोटी छोटी इंप्योरिटीज थी वो ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, ये वाली, और मेटल जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो नीचे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर प्रेशराइज वाटर डाला जिसकी वजह से इंप्योरिटीज तो ऊपर चली गई, मेटल जो है वो भारी होती है तो इसलिए वो नीचे ही रहेगी, ठीक है।
तो बास कंट्रीज में हम ये प्रोसेस भी देखते हैं, ठीक है, शेकिंग में हम ये, अच्छा जो हमारे पास ऊपर मटेरियल बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, छाज कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऊपर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं जी हमारे पास जिस तरह बलाई होती है वो हमारे पास ऊपर मौजूद होती है, इसी तरह से यहाँ पर जो होता है वो छाज होता है, जिससे हम सेपरेट कर लेते हैं इंप्योरिटीज को इजीली, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी, छाज इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आ जाता है वो है जी मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो असेंबली होती है पूरी, उसमें हम क्या करते हैं, जो पाउडर्ड फॉर्म में हमने ली हुई थी, जो हमारे पास थी जी इंप्योरिटीज और मेटल्स दोनों इकट्ठी थी, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं जी यहाँ पर, इसको चले हम दोबारा से ले आते हैं, उसको हम क्या करते हैं जी उस एक मैग्नेटिक सेपरेटर होता है उसके ऊपर डालते हैं, और उसके थ्रू हम जो है सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को जो नॉन मैग्नेटिक होती हैं, या हम कहते हैं हमारे पास जो मेटल सॉरी मेटालिक इन नेचर नहीं होती, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, चलिए इसको इम्प्योरिटीज को हम दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हम जो है ओर जो है पाउडर्ड ओर वो हम दे रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, खाम जो हमारे पास मेटल होती है यानी कि इम्प्योरिटीज के साथ होती है। अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज समेत जो है हमारे पास मेटल जो है वो मौजूद है, यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज को लिख लेते हैं जी आर, ठीक है। और हमारे पास क्या होती है, इसको हम सेपरेट करना चाह रहे होते हैं जो कि हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होती है, और मेटल चूंकि मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट हो सकती है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नॉन मेटालिक इन नेचर हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, उसको क्या करते हैं हम इस सारी की सारी चीज को इस बेल्ट से पास करते हैं। ये है जी हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेटर सेपरेशन की बेल्ट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, इस प्रोसेस का नाम पहले ले आते हैं और फिर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। ये हम इस प्रोसेस को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ से हमारे पास वो पाउडर्ड फॉर्म में आया, और अब इस पे ये जो हमें नजर आ रहे हैं जी ये गोल से, ये मैग्नेटिक रोलर्स हैं, ठीक है। ये मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और मेटल को अट्रैक्ट करते हुए इस वाले चेंबर में मैग्नेटिक जो हमारे पास चीजें होंगी वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो इस वाले चेंबर में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारे पास फिफ्थ प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आ जाता है वो है जी हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन जैसे नाम से जाहिर है कि रिड्यूस करना है हमने, अगर कुछ और भी इम्प्योरिटीज उसमें रह गई थी तो हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जी हमारे पास जो है वो क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में हम उसको डालते हैं। बहुत ज्यादा मेटल को जो है वो हम हीट करते हैं, मेटल हमने ली है और फिर हमने उसको बहुत ज्यादा हीट किया, हाई टेम्परेचर हमने उसको दिया है, प्रोवाइड किया है, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो है TEMP हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलें टेम्परेचर हम लिख देते हैं, टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। और तकरीबन ये लगभग होता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस का अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो हमारे पास कितना होता है, ब्लास्ट फर्नेस में हम तकरीबन जो है करीब ले जाते हैं, सम थाउजेंड्स में हम बात करते हैं, ठीक है। फर्नेस इसके लिए मैं एन लिखती हूँ, FUR, ठीक है, RNANCE, फर्नेस, ठीक है। हमारे पास जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसको हम ठीक कर लेते हैं जी, ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। अब क्या होता है उसके बाद, उसकी जो है हमारे पास रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास मेटल जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है हम क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं जी, हम रिडक्शन का प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेटल जो है हमारे पास और प्योर हो जाती है और हमारे पास जो है वो साफ हो जाती है। लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो है जी रिफाइनिंग एंड कास्टिंग। रिफाइनिंग जैसे नाम से अगेन हमें पता चल रहा है, और मजीद इसको रिफाइन करने के लिए हम एक और प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं जी ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, ओपन हर्थ प्रोसेस। ये भी हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का एक प्रोसेस होता है, और इसकी ब्रीफ जो है वो हम इसकी जो है सेपरेट एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ओपन हर्थ प्रोसेस में भी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मेटल और मजीद जो है वो हमारे पास रिफाइन हो जाती है और इस काबिल हो जाती है कि हम कोई भी उससे चीज जो है बना सकते हैं। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में मेन हमारे पास जो है वो तीन यही है, माइनिंग एंड इनरिचमेंट जिसमें हमने ये सारे प्रोसेस को, पांच प्रोसेस को देखा, रिडक्शन है उसके बाद, और तीसरा जो है वो रिफाइनिंग एंड कास्टिंग है। तो ये है जी हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशंस।